और तमाम बहनों और भाइयों का मैं बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि जो यहाँ पर हम सब पहुंचे हैं। और मैं सबसे पहले मेरे पैदा करने वाले मालिक मेरे अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि जिस रब ने हम सबको पैदा किया और मर्द को और औरत को दोनों को भी अल्लाह ने बनाया है और उनके अंदर सारी सलाहियतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। और मैं शुक्र अदा करती हूँ उस अल्लाह का कि जो हम सबको एक जमीन पर पालता है और एक ही आसमान का पानी हम सब पीते हैं और काफी चीजें हैं जो हमें एकता की आवाज देते हैं, जो काफी चीजें हैं जो हमारे रिश्ते को मजबूत करते हैं, जो काफी चीजें हैं हमें एक बनाते हैं। और सारे लोगों ने कहा कि आप इतने बिजी शेड्यूल में जो आप अपना बिजनेस संभालते हुए ये सारे खवातीन का काम करते हुए आपको ये पार्टी लॉन्च करने की क्या जरूरत है। काफी लोगों ने पार्टी लॉन्च करने का मेरा एक ही मकसद है, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसान के लिए इंसाफ हो। और मैं सारी दुनिया को और मेरे भारत में एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाऊंगी मंच पे और उसके लिए सारे बहनों की मुझे जरूरत है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब कुछ हो। मजहबों में हम सब अलग अलग रहते हैं मगर जब इंसानियत का एक रिश्ता आता है तो हम सब एक हैं। इंसानियत के रिश्ते में हम बिल्कुल अलग नहीं है। सारे चैनल्स में देखती हूँ, कभी न्यूज देखती हूँ तो सिर्फ एक बात की लड़ाई होती है कि हिंदू और मुस्लिम झगड़ते रहते हैं घंटों घंटों, जबकि इस झगड़े से किसी को कोई फायदा नहीं। आओ लोगों में सियासत में आओ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, सियासत में आओ लोगों की भलाई करने के लिए। मैंने गौर किया, मैंने न्यूज़ को देखा, मैंने सारी चीजों को पढ़ा और उन्हें के लिए जो है आज इंडिया के अंदर 135 करोड़ पीपल्स है, सुभान अल्लाह बहुत ज्यादा है। जबकि अगर 250-260 कंट्रियों को आप जोड़ लीजिए तो 10-20-25-40-50 कंट्रिया सिर्फ इंडिया में, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो सिर्फ इंडिया में। उस 135 करोड़ के जो आबादी है उसके अंदर 64 करोड़ में से 64 करोड़ में से ये जो 64 करोड़ में से 100 कंट्रियों में भी 64 करोड़ पीपल में नहीं है। अगर आप देखेंगे तो किसी कंट्री में सिर्फ 10 लाख लोग हैं। आप देखेंगे कि अरब के 10 कंट्री में भी आप चेक करेंगे तो दुबई में देख लीजिए 10 लाख लोग, अगर सऊदी अरब में आप देख लीजिए 35 लाख अरबी लोग, मतलब इस तरह से लाखों की तादाद में है। अगर हम 64 करोड़ में एक हो जाएंगे, अगर एक बात में अगर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सारे तब्दीलियां कर सकते हैं। और खवातीन को हमने क्या किया, एक वोट बना दिया। और इस पार्टी को लाने के लिए मैंने सोचा कि 20 साल 1998 से मैं सोशल वर्क करती हूँ, 1998 से खलिए खलिए में जाकर मैं खवातीन को बताती हूँ कि हमारे हकूक क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हमको कैसे रहना चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे रब ने हम सबको पैदा किया और मुझे इस पार्टी के जरिए से एक अच्छा पैगाम देना है। और कोई मकसद नहीं है, ना सीट मकसद है, ना हुकूमत मकसद है, ना सियासत मकसद है, सिर्फ मेरा मकसद है कि इंसानियत को यह बनाना और इंसानियत का एक रूप देना। इसी का एक जरूरत था आज जो है हमारे और जो है मिस अचीवर्स को यहाँ पर इन्वाइट किया, मुझे बहुत ही बहुत खुशी हो रही है। उसके लिए मैं इंसानियत के एकता होने की अगर हम सब सोचते हैं तो बहुत बड़ी दलील है। आज हम देखते हैं कि हमारे सिर के ऊपर एक आसमान है जिसको हम सबको पैदा करने वाले ने बनाया है। क्या उसने डिवाइड किया है कि इतनी आसमान का हिस्सा हिंदू के लिए है, इतनी आसमान का हिस्सा मुसलमान के लिए है, ये सूरज की रोशनी इतनी देर हिंदू लाइटिंग देगी, ये सूरज की रोशनी हिंदू इतने दिन लाइटिंग देगी, बिल्कुल नहीं। चांद की रोशनी सबके लिए भी है, सूरज की रोशनी सबके लिए भी है, आसमान की रोशनी आसमान है सबके लिए भी है, जमीन भी है सबके लिए है, ये हम तो उस पर जगड़ के बन रहे। अभी मैंने देख रही थी लोगों को जो है ट्रेड यूनियन करते हैं,
जब ब्रेड का बॉटल लेके जाते हैं तो ब्रेड ये नहीं पूछता क्या मुझे हिंदू में डाल रहे हो, क्या क्रिश्चियन में डाल रहे हो, क्या मुस्लिम में डाल रहे हो, क्या ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, क्या है ये, और ब्रेड ये खोता है तो चढ़िया पर तुम जी कर उठ जाते हो। तो फिर इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इंसान एक मटीरियल से बना हुआ है, एक मटीरियल से बना हुआ है। एक तो आंख निकाल लेते हैं जिसका इंतकाल हो जाता है, जवानी में होता है, गर्मी में होता है, उसकी आंख निकाल के अंधे को डालते हैं। तो जब डालने के वक्त में ये नहीं पूछता कि आंख किसके लिए मुझे नहीं लगाना, क्योंकि रोशनी बराबर नहीं देगी, है कि नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। तो ये वो आंख जो बनाने वाला है एक ही है, ये आसमान को जो बनाने वाला है एक ही है, हम सबको जो पैदा करने वाला है वो एक ही है। और मैं चाहती हूँ कि हम सब जो है मोहब्बत के पैगाम जो है हिंदुस्तान के नाम करें और हिंदुस्तान में मोहब्बत के पैगाम को पहुंचाए और हम सब जो है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और ऐसा नहीं आएगा और हमने कितने भी ट्रस्टे चला लो, कितने भी क्या क्या चीजें चला लो, बस हम लोगों को ऐसे हेल्प कर पाते हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे उस वक्त में हमारे पैसे से नहीं पाएंगे। आज आप देखते हैं लोकसभा में, जब लोकसभा के सारे कभी मीटिंग सब देखते हैं तो कितने लोग होते हैं, उसमें औरतें कितनी होती है, तीन या चार या पांच, वो भी कुछ पैसों के नीचे दबी हुई होती है। जो उनको बोलते हैं तो वही ये करती है। जब आप राज्यसभा में भी देखिए उसी तरह से बोलते हैं। इसीलिए मैंने इस पार्टी को लॉन्च किया है कि हम खवातीन इसकी एक ताकत बने और हम खवातीन के लिए एक रास्ता खुला हो और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बढ़ाए और प्लेटफॉर्म पे आकर जो है वो अपनी सियासत करे, वो कंटेस्ट करे, वो एमएलए बने, वो एमपी बने, उनके लिए खुली रास्ता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में यही लिखा है कि मर्द और औरत दोनों ही बराबरी है, उनके लिए कहीं भी कमी पेशी नहीं है। मगर हम दुनिया में देखते हैं तो वो हुकूक हमें नहीं देते, वो हुकूक हमें नहीं देते, कहीं ना कहीं हमें दबाया जाता है, कहीं ना कहीं हमें दबाया जाता है। और बहुत सारे चीजें हैं जो मेरे दिल को हिला दिए एक काम करने पर, मजबूर करके। मैं सोशल वर्क करती हूँ, एक औरत मेरे पास आई और वो औरत मेरे पास आके कहती है कि आबा मुझे हॉस्पिटल जाना है, वो बहुत काम है, एक साल में पहले का बात हुआ। तो मैंने पूछा क्या बात है, ये मैं ये नहीं कहती कि ये मुसलमान हिंदू कर रहे, बल्कि सब 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 सारे जमाते वाले एक औरत कमजोर अंदर से जो है देखा जाता है। तो कहूँ तो उसके हाथ पांव रहे थे, वो मुझे बता रही थी कि क्या बात है, वो कहती है कि मुझे हमल हो गया और मेरे पेट में लड़की है, कल सोनोग्राफी हुई, डॉक्टर ने बताया कि लड़की है, तो इसलिए जो है अब मेरा शौहर, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल पूरे मुझे मजबूर करते हैं कि इसको जो है पेट में ऑपरेशन करा लो और इसको जो है पेट से निकालो। तो वो बच्चे को जब औरत है दो तीन दिन के बाद वापिस आकर मुझे कहती है आपा अल्लाह की कसम उस बच्चे की हड्डियों की तोड़ती हुई आवाज मेरे कान में, क्यों कौन सी ऐसी मजबूरी है, क्यों औरत को इस तरह से किया जाता है, उसके पैदा होने से पहले खत्म कर दिया जाता है। आप लिस्ट उठा के देखिए, आप रिपोर्ट उठा कर देखिए, किसी भी मर्द को जो है माँ के गर्भ में मारा जाता, सिर्फ औरत को मारा जाता। जब सोनोग्राफी करते हैं तो किसी मर्द को नहीं मारा जाता, खुशी से लड्डू बांटते हैं, झांझरी बांटते हैं, लेकिन नहीं कि बेटा है मेरी बेटी के पेट में, मेरे बहू के पेट में बेटा है। और औरत की क्या गलती होती है इसके अंदर, और मैंने देखा है कि जब लड़की पैदा होती हॉस्पिटल में जाके शोर बीवी को उस हालत में जबकि वो तकलीफ में है उसको मारता है और वो मासूम सी बच्ची को उठा के दीवार पे मारता है। बहुत सारे ऐसे वाकियात हैं। हाँ, कुछ जगह पर बेटी को बड़ी मोहब्बत देते हैं मगर उसके हुकूक से उसको वो काम करने नहीं देते जिसका उसे इस्लाम ने हक दिया है, भारत का संविधान ने हक दिया है वो काम करने के लिए। हमेशा माँ बाप ये चाहते हैं कि ये बेटी है ये बिल्कुल सबके रहे, उसकी कोई चीज नहीं। शोहर भी यही चाहते हैं कि ये मेरी बीवी है बस इसी मेरे कंट्रोल में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में रहना अच्छी बात है, मगर जो उसके हकूक है जो उसके राइट्स है। कहीं पर ऐसा लड़कियों को जिस दिन से शादी होती है उसकी मौत लग सकाते हैं, उसकी शादी के पैसे उसका बाप तकलीफ करके देना और उसके लिए डाउरी के पैसे देना, और नहीं तो कितने ऐसे लड़कियां हैं कि आप खा के लिस्ट देख लीजिए, आप यूट्यूब में देखिए, आप उसके देखिए कितने लड़कियों को जला के मार दिया जाता है कि वो चीजें ले लिए, इसलिए भी मारा जाता है कि गरीब को मार दो तो फिर अभी की लड़की बेच। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे जिंदगी में जो है मुझे हिला के रखती है।
और कमाना अपने लिए खाना ऐसी में जिंदगी गुजारना एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरी बहनों में आपको भी कहती हूँ और सबको भी मेरे भाइयों को भी मैं ये कहती हूँ कि हम सिर्फ अपने लिए जी ले और अपने लिए जिंदगी गुजार ले ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमको चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म पे आए और ये अच्छी पार्टी बनाए और हमने जैसे मैंने पार्टी का नाम सुनाया पहले मेरे घर से ही मेरी आत्माएं शुरू हो गई। मेरे घर में सारे लोग छत के नीचे गए बोले कि हाँ अब तक तो तू बिजनेस में हमें फ्री कर दिया। मेरे जिंदगी का सफर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 साल से शुरू हुआ है और मेरे उस जिंदगी के सफर में मैंने सबसे पहले पढ़ाई के लिए बुनियाद डाली। जो बुनियाद डाली मेरे आसपास के रहने वाले लोग जो है लड़की को पढ़ाना अपना समझते थे। यहाँ तक कि जब लड़की को पढ़ाते थे घर में टीचर आके ट्यूशन देते थे इंग्लिश ट्यूशन तो भाई को पढ़ाते और बहन को कहते अगर तू देख लेगी तो इससे बहुत बड़ा खतरनाक जो है लड़की आगे बढ़ जाएगी लड़कियों को जरूरत नहीं और क्या है। तो इसलिए मैंने जो है पढ़ाई की तालीम की बुनियाद डाली। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लड़कियों को अल्लाह के फजल से जो है मैंने दुनिया की भी तालीम और माशरे की भी तालीम और दीनी तालीम भी अल्लाह के फजल से जो है मैंने उनको दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आईना मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैंने लड़कियों के लिए इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ और अल्लाह का फजल है तो फिर उसके बाद क्या किया उसके लिए तो पैसे चाहिए। कोई भी सोशल वर्क करने के लिए गरीबों को पालने के लिए यतीमों को देखभाल करने के लिए सबसे पहले तो पैसे चाहिए। पैसे कौन देगा ऐसे हालात में जब मैं किसी के सामने मेरे प्रोजेक्ट रखती सब मुस्कुराते थे हंसते थे कि ये औरत किसे करेगी इतना बड़ा इतना समझदार लेवल में तुम कैसे बना पाओगी। हाँ हाँ ये तो नहीं बना पाते ये तो बड़े बड़े मंत्री भी नहीं बनाते मगर एक ताकत है जो हमेशा मुझे ताकत देती है। ये ताकत है जो हमेशा मुझे साथ रखती है। सारे लोग भी कभी मेरा साथ छोड़ दें तो वो ताकत अल्लाह का ताकत कभी मेरा साथ छोड़ती वो मेरे साथ नहीं करेगा। मैं कहती थी कि मेरे अल्लाह तो आपने मुझे पैदा किया और उनको भी पैदा किया मगर मैं क्यों ना कर लिए काम तो सुभान अल्लाह आज नेशनल इंटरनेशनल में जाकर मेरे बिजनेसों को फार्म करना और फार्म करके सक्सेस पाना और इसमें 10 लाख खवातीन को मैं एक रोजी का जरिया बन जाना कमाने का जरिया बन जाना और उनको बिजनेस सिखाना तो ये मेरी जिंदगी का जो है एक बहुत ही बड़ा मिशन है। और मेरे खवातीन की कमेटी से मैंने मीटिंग किया था मुझे पार्टी लॉन्च करना है मुझे पार्टी रखना है और माशाल्लाह खवातीन में हमारे बहुत सारे मर्दे भी हैं हमारे भाई भी हैं साथ देते हैं अल्लाह के फजल से तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उन्होंने कहा कि आपका ठीक है अगर पार्टी लॉन्च करना है तो हम सब ये कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज है आप एक बहुत पाकिस्तान औरत को उसमें आप क्यों खत्म कर रही हो ये तो बहुत गंदी चीज है। बाकी मैंने स्टडी किया तो बाकी लगता है कि कुछ कुछ लोग गलत सलत तो फिर मैंने सोचा जब तक के अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो गंदे लोग कैसे निकलेंगे। अच्छे लोग जो सिर्फ लोगों के पैदा पहुंचाने के लिए जो पहले के हमारे कमिटीज थे जो पहले के हमारे लोग थे उस तरह सिर्फ उस मकसद से लोगों का काम करने के लिए हम नहीं आएंगे तो गंदे लोग सीटों पर से कैसे हटेंगे। जब अच्छे लोग तुम यह सोच कर बैठ जाते हो कि राजनीति गंदे लोगों की है क्या तुम उनको ही हमेशा कर देते हो हमारे तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह और इसके 29 स्टेट के 22 बनेंगे और 700+ डिस्ट्रिक्ट के 22 बनेंगे और हमारी पार्टी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उमेश का एक खाली मैंने प्रोग्राम पर एक मैसेज किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 20 लाख से ज्यादा खवातीन ने मुझे मेल किया मैं उसको भी उनको भी सैल्यूट करती हूँ और सबसे पहले और कहते हैं कि आपको विश्वास है आप जो भी काम कर रहे हैं जो है शुरू करेंगे और मैं यहाँ जितने भी भाइयाँ और बहने हैं मैं उनसे यही बात कहना चाहूंगी कि यमीनी किसी मुसलमानों की पार्टी नहीं है यमीनी किसी जात की पार्टी नहीं है यमीनी किसी मजहब की पार्टी नहीं है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड पार्टी है ये पब्लिक की पार्टी है ये हर भाई की पार्टी है जो बहन की इज्जत की हिफाजत करना चाहता है हर औरत की पार्टी है जो हर इंसान की पार्टी है सारे लोगों
मेरी पार्टी है, तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह तआला सबको इसमें लेकर चलने की तौफीक दे। बस खास हमें ये दे कि इखलास के साथ हम काम करें, ना हमें वो चीजें चाहिए जो पैसे दे के खरीद के नहीं, हमें वो चीजें चाहिए चाहिए। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था जब दिल्ली का न्यूज आया दो दिन पहले, तो मैंने रीन को फोन किया, मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त साथ देता है, हर काम में साथ देता है, कोई भी लीगल में होता है तो रीन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत ज्यादा इससे जो है बात करते हैं, और खास करके लीगल एडवाइजर भी है और मेरे भाई के जैसे है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मैं कहा कि सारे लोग कैसे आएंगे दिल्ली में, तो इतना ज्यादा न्यूज आ रहा है, ऑपरेट हो रहा है, बहुत सारी चीजें आपकी मोहब्बतों को देखकर यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर हम आगे जाएंगे तो इंडिया के जीतने में कोई गौरव का मुद्दा है, और बहुत जल्द हम जीत सकते हैं, और बहुत जल्द वो बिल पास कर सकते हैं जो 18 साल जितने भी यहाँ पर अच्छी